नमस्कार, जस्ट 2 मिनट्स विद राहुल नागड़ा में आपका स्वागत। डोसा एक ऐसी चीज है जो सबकी फेवरेट होती है। डोसा वैरायटी ऑफ चटनी एंड सांबार के साथ खाया जाता है। आज डोसा वर्ल्ड वाइड फेमस है और हर रीजन के हिसाब से अलग अलग वैरायटी डोसा बनाया जाता है। डोसे के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, क्विकगन मुर्गन। लेकिन डोसा की रेसिपी 2000 साल पुरानी मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको डोसे की हिस्ट्री बताएंगे। डोसा साउथ इंडिया में ऑरिजिन हुआ था, पर एग्जैक्टली कहां यह अनुमान लगाना मुश्किल है। प्राचीन समय में साउथ इंडिया का स्टेपल फूड मिलेट माना जाता था, ना कि राइस। प्राचीन लिटरेचर और शास्त्रों से यह पता चलता है कि चावल की उत्पत्ति प्राचीन तमिलकम में हुई थी। आज के मोस्ट ऑफ राइस बेस्ड डिशेस जैसे कि डोसा, इडली, आपम, पुट्टू के रेफरेंस तमिल संगम लिटरेचर में मिलते हैं। ये सारे राइस बेस्ड डिशेस तमिलगम से ही बाकी रीजन्स में फैले। फूड हिस्टोरियन केटी अचाया के अनुसार डोसा प्राचीन तमिलगम में 1st century AD से ही था। इसका तमिल संगम लिटरेचर में रेफरेंस भी है। हिस्टोरियन पी तंकपन नायर के अनुसार डोसा कर्नाटका के उडुपी शहर में ओरिजिन हुआ था। ओरिजिनल तमिल डोसा जो है वो थोड़ा मोटा और सॉफ्ट होता है। पतले और क्रिस्प डोसा कर्नाटका में बनाए गए थे। डोसा की रेसिपी डोसाका के नाम से मानसोलसा जो 12th century के संस्कृत एनसाइक्लोपीडिया है उसमें पाया गया है। इसे कर्नाटका के चालुक्य राजा सोमेश्वर थर्ड द्वारा कंपाइल किया गया था। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ही ये साउथ इंडियन डिशेस नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर होने लगे। तो कैसा लगा 2000 साल पुराना डोसा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।